हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ क्रिस्पी बीन्स फ्राई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने 8 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक लिया है और इन्हें मैंने पीस लिया है। आधा टीस्पून नमक, 1 कप मैदा, 1 टीस्पून चिल्ली सॉस, आधा टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप, आधा टीस्पून काली मिर्ची पाउडर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका और 2 अंडे लिए हैं। अभी इस बोल में मैदा, कॉर्नफ्लोर, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, काली मिर्ची पाउडर, चिली सॉस, टोमेटो केचप, सोया सॉस, सिरका और 2 अंडे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने 1/4 का आधा पानी लिया है। अभी ये मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है, इसमें हम चुटकी भर नमक और चुटकी भर काली मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा ऑर्गेनो और रेड चिली फ्लेक्स डालकर मिक्स कर लेंगे। अभी मैं बीन्स को सबसे पहले मैदे में कोट करूंगी और फिर मैदा और कॉर्नफ्लोर वाले बैटर में डिप करेंगे और लास्ट में ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। ये मैंने सभी बीन्स को कोट कर लिया है। अभी इसे हम फ्राई कर लेंगे। पैन में तेल गरम हो गया है, इसमें बीन्स डाल देंगे। फ्लेम धीमी आंच पर ही रखी है। इसे एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। बीन्स फ्राई हो गई है, इसे निकाल लेते हैं। और इसी तरह से हम बाकी के बीन्स भी फ्राई कर लेंगे। देखिए, क्रिस्पी बीन्स फ्राई तैयार है। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।